Hello students, I'm going to teach you the second lesson of Flamingo. The name of this lesson is Lost Spring, written by Anish Chang. This story has two parts. I'm going to explain the first part in Hindi today and you'll get the second part very soon. So let's begin our class. Flamingo ke second chapter, Lost Spring. ठीक है, Lost Spring, Lost मतलब खोया हुआ, Spring माने यहाँ पर Spring का सीज़न, मौसम है बाहर. यहाँ हम समझ सकते हैं स्प्रिंग मतलब बचपन का, खोया हुआ बचपन. ठीक है, और स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, जिस ऐसी कहानियाँ हैं जिसमें बचपन को चुराया गया है. इस स्टोरी में जिसमें बचपन बच्चों के बारे में है, लेकिन उनका बचपन उसमें से बचपन उनका चुरा लिया गया है. अब देखते हैं कैसी स्टोरी है ये. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी आपके लिए भी, और आप इसको समझें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको. हम पहले पढ़ेंगे ऑथर के बारे में. अनीस जंग एक राइटर हैं जिन्होंने इसको लिखा है. 1964 में पैदा हुई रावर किला में, और उन्होंने अपना बचपन और एडोलसेंस यानी कि नौजवानी जो है हैदराबाद में गुजारा उन्होंने. फिर शी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उन्होंने अपना एजुकेशन हासिल किया हैदराबाद में ही और इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. फिर अमेरिका से भी उन्होंने पढ़ाई की. हर पेरेंट्स आर बोथ राइटर्स, उनके वालदेन जो है माता पिता राइटर्स थे. अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज अ राइटर. इन्होंने अपनी जो है कैरियर की शुरुआत की एक राइटर के हैसियत से. ठीक है, एज अ राइटर इन इंडिया, कहाँ पर, हिंदुस्तान में ही उन्होंने शुरुआत की. शी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक एडिटर के रूप में काम किया उन्होंने. एन कॉलमनिस्ट, और एक कॉलम निगार, जर्नलिस्ट जो अपनी बात को किसी न्यूज़पेपर में या मैगजीन में देते हैं उसको कॉलमनिस्ट कहते हैं. बड़े न्यूज़पेपर में दिया हिंदुस्तान के, और एन एब्रोड, बाहर में भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर वालों को अपना उन्होंने अपना स्टोरी और जो चीज़ें उनको देना था वो दिया उन्होंने. खैर, एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं. द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, और ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये अखज़ किया गया है, लिया गया है उनकी किताब से जिसका नाम था, उनका टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. उनके उन्होंने किताब लिखी है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड. उसी से ये जो हम पढ़े जाएंगे उसी का ही पार्ट है, उसी से लिया गया है. आई बात समझ में, आगे देखते हैं. हियर शी एनालाइज, यहाँ पर उन्होंने एनालाइज किया है, उन्हें एग्जामिन किया है डिटेल में. द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब अनएंडिंग पॉवर्टी, ऐसी गरीबी जो कभी ख़त्म ना हो. एंड ट्रेडिशन, ऐसी रिवायत विच कंडेम दीज चाइल्ड चिल्ड्रेन, जो मलामत करती है, मजम्मत करती है ना, जिस डिसअप्रूव करती है इन बच्चों को, टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है इस्तेहसाल, है ना, जिसको जिनके साथ बुरा सलूक किया जाए, उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाए. तो इन बच्चों का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है इनकी ज़िंदगी से, लोग उसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनको बेनिफिट्स बच्चों को नहीं मिलता. ठीक है, आगे हम देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा स्टोरी है क्या. चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए सब चीज़ें. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गारबेज, इसका हेडिंग उन्होंने दिया है कि कुछ कभी कभी मैं एक रुपया पा लेता हूँ इस गारबेज मतलब होता है कूड़े के अंबार में. ठीक है, कूड़े के ढेर में. सो सवाल था, व्हाई डू यू डू दिस, तुम ये क्यों करते हो. आई आस्क साहेब हुम आई इनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गारबेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड, मैंने सवाल किया साहेब से जिससे मेरी मुलाकात अक्सर होती थी सुबह के वक्त, जो स्क्राउजिंग मतलब सर्चिंग, ठीक है, सर्चिंग फॉर समथिंग, स्क्राउजिंग फॉर गोल्ड, उसमें सोना वो स्क्राउज करता था, ऐसा लगता है वो सोना खोज रहा है उसमें से, उस कहाँ से, गारबेज से, गारबेज के डम यानी कि कूड़ेदान से या कूड़े के ढेर से वो कुछ खोजता रहा, तलाश करता था. तो उससे पूछा उसने कि तुम क्यों करते हो, ये कहाँ पर, ये माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में ही वो ऐसा करता था. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहेब अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका था. सेट अमिस्ट द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका, ये उसका घर कहाँ था, ग्रीन फील्ड यानी हरे भरे खेत में ढाका के. ठीक है, हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसका घर जो है अब कोई भूली बिसरी बात है, यादगार है, बहुत दूर का, दूर की याद नहीं हुई, मतलब इसको याद है कुछ हद तक, मिस नहीं करता. ठीक है, अपने घर को मिस नहीं करता. There were many storms that swept away their fields and homes. तो उसने बताया कि अच्छा उसको क्या बता, There were many storms, बहुत सारे तूफान आते थे जो उड़ा ले जाते थे उनके फील्ड को, उनके घर को. His mother tells him,
उसकी माँ उससे कहती थी कि हम लोग ढाका क्यों छोड़ दिए, क्योंकि वहाँ पर जो है तूफ़ान बहुत होता था और तूफ़ान के आने की वजह से हमारा खेत और हमारा घर जो है बर्बाद हो जाता था। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने ढाका छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, और बड़े शहर में सोने की तलाश में, वेयर ही नाउ लिव्स, अब ये यहाँ पर रहते हैं, यानी कि आ गए इंडिया में, हिंदुस्तान के दिल्ली में ये लोग रहते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे और भी डिटेल। तो ये अब जो है दिल्ली में रहते हैं और ये यहाँ पर कूड़ा वगैरह आप देखेंगे, रैक पिकर्स होते हैं, कचड़ा बटोरने वाले। तो ये भी लड़का जो है जिसका नाम है साहेब नाम है, वो भी जो है रैक पिकर है और ये अब यहाँ हिंदुस्तान में रहता है, दिल्ली में रहता है। कहाँ का है ये? ढाका का है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू। जब उससे पूछा गया तुम ये क्यों करते हो, तो इसने बताया कि मेरे पास और कुछ करने को है ही नहीं। ही मटर्स, वो बड़बड़ाया लुकिंग अवे, दूर देख करके, इधर उधर देख करके कहा कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है। गोइंग टू गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली। तो मैंने जो है बगैर सोचे समझे आसानी से कह दिया कि तुम स्कूल जाया करो। ठीक है, फिर बोलने के बाद आई रियलाइज इमिडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड। मेरा ये एडवाइस कितना खाली 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 है, यानी कि यूज़लेस है। मैंने ये मशवरा तो दिया लेकिन फ़ौरन मुझे एहसास हुआ कि ये सब मशवरा तो बेकार हुआ। क्यों बेकार हुआ? देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्योंकि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल था ही नहीं। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो। तो साहब ने कहा कि जब वो लोग बनाएंगे कोई एक स्कूल होगा तो मैं वहाँ जाऊँगा, अगर स्कूल होगा तो मैं जाऊँगा, अभी तो स्कूल है नहीं, कहाँ जाऊँगा फिर। सो इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने कि मैं मजाकन मैंने पूछा, नॉट सीरियसली, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि क्या अगर मैं स्कूल खोलूँ तो तुम आओगे? उसने कहा हाँ, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, लंबी मुस्कान के साथ उसने कहा कि हाँ बिल्कुल आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ देर के बाद आई सी हिम रनिंग अप टू मी, मैंने देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ा हुआ आया। इज़ योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल रेडी हो चुका है? उसने पूछा, साहब ने पूछा। तो मैंने कहा इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से, नहीं स्कूल बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, आई से, मैंने कहा। एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड मतलब होता है कन्फ्यूज्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट, मुझे अफसोस भी था कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया जो जिसका कोई मतलब ही ना था, मतलब ऐसे ही मैंने कह दिया था। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन प्रॉमिसेस जो मेरी मैंने जो की थी ये भर दी इसके ब्लीक वर्ल्ड को, फीकी दुनिया को खुशियों से, एक है ना, मेरी जो प्रॉमिस थी उसके खालीपन खाली दुनिया को, ब्लीक वर्ल्ड मतलब होता है चीयरलेस, जॉयलेस, जिसमें कोई मज़ा नहीं है ना, नीरस, जिसमें कोई जैसे ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं, तो उसकी जो दुनिया है जो अलग दुनिया है, गरीबों की दुनिया है जिसमें कोई मज़ा नहीं है, तो प्रॉमिस हमारे जैसी प्रॉमिस, हम लोग जब प्रॉमिस करते हैं तो हमारी प्रॉमिस उनकी ज़िंदगी को, उनकी उनके ज़िंदगी को खुशियों से भर देती है, समझ में आ रही बात? उनको ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल अगर स्कूल खुलेगा तो हम जाएंगे, तो शायद कि मैडम ने स्कूल खोल लिया हो, समझ में आ रही बात, इसलिए उसको खुशी होती है। खैर हम आगे देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, महीनों तक उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा, तो उसने बताया साहेब आलम, कि मेरा नाम साहेब आलम है। ही अनाउंसेस, उसने डिक्लेयर किया, उसने बताया। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता नहीं था कि इसका नाम का माना क्या होता है। इफ़ ही नोज न्यू इट मीनिंग, इट्स मीनिंग, अगर वो उसको मालूम होता क्या मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, शाह आलम, आलम का बादशाह, आलम का बादशाह, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको अपने नाम का माना मालूम होता तो उसको अपने उस मतलब पर यकीन ही ना होता कि बालम का बादशाह और ये कूड़े बटोरता फिरता है। ठीक है, अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट, वो अपने नाम के मीनिंग से बिल्कुल गाफिल। ही रोम्स द स्ट्रीट्स, वो भटकता है सड़कों पर विथ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज, एक नंगे पैर चलने वाले बच्चों की टोली के साथ, हु अपीयर्स लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह के वक्त परिंदे की तरह आते हैं, एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को वो गायब हो जाते हैं। आपने देखा होगा सुबह में जब आप आपकी खुलती है तो परिंदे नज़र आते हैं आपके घर पर, आपके बरामदे में, पेड़ों पर चहचहाते हैं, बहुत शोर होता है, लेकिन कुछ देर के बाद वो सन्नाटा हो जाता है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे सुबह को बहुत सारे बच्चे नज़र आते हैं,
फिर दोपहर में ये सब कहाँ चले जाते पता नहीं। ओवर द मंथ महीनों तक आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, हर एक को मैं पहचानती रही, मुलाकात होता रहा, सबसे मैं मिलती रही। वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा तो उसने जवाब दिया, माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, मेरी माँ ने जो चप्पल को, चप्पल वो मेरी माँ सेल्फ से उतारती नहीं है ना, उस सेल्फ मतलब होता है वो अपने टाड़ ओड़ पर समझिए, तो उस सेल्फ पर उन्हें अलमीरा पर रखा है, ऊपर रखा है, वो अभी उतारती नहीं है इसलिए नहीं पहनता। ही आंसर्ड सिंपली, उसने जो सफाई में कहा। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज़ वियरिंग शूज दैट इज दैट डू नॉट मैच, अगर वो उतार भी दे तो ये उसको फेंक देगा। दूसरे ने कहा जो हु इज़ वियरिंग शूज, जो जूता पहना हुआ था दैट डू नॉट मैच, जो उसके साइज से बिल्कुल बड़ा था। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उस पर कमेंट किया तो तुम्हारा जूता तो बस साइज से बड़ा है। ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, वो अपने पैरों को इधर उधर मूव करता रहा है ना, और फिर लेकिन कुछ कहा नहीं। तो उसने कहा आई वॉन्ट शूज़, मुझे जूते चाहिए थे। सेज अ थर्ड वन, थर्ड बॉय ने कहा, तीसरे लड़के ने कहा मुझे जूते चाहिए, हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर इन हिज लाइफ, जिसको एक भी जूता, एक जोड़ा जूता भी पूरी ज़िंदगी में नहीं नसीब हुआ। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयर फुट, मैं जब उस कंट्री में यानी कि उस इलाके में सफ़र किया मैंने, तो देखा कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो नंगे पैर चल रहे हैं। इन सिटीज़, शहरों में, ऑन विलेज रोड्स, गांव के रास्ते, सड़कों पर भी, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये वजह पैसे की कमी नहीं हो सकती कि सब लोग नंगे पैर चलते हैं, पैसे की वजह नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फिट, बल्कि एक रिवायत है, एक रीत रस्म है नंगे रहने का, इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक तो एक एक्सप्लेनेशन है, एक सफाई में कहता है कि नंग पैसे की कमी नहीं है, बस एक रस्म है, लोग चल रहे हैं सही। आई वंडर इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज, मुझे हैरानी थी क्या ये कोई बहाना है, टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि परपेचुअल मतलब होता है, इसको बोल सकते हैं जो ख़त्म ना होने वाला, बिल्कुल हमेशा रहने वाला है ना, ऐसी पॉवर्टी है जो कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, यही इसकी वजह है। ठीक है, इसका एक उन्होंने सफाई में पेश किया कि पैसा वजह नहीं है, इसका तो एक रस्म है, लोग ऐसे चलते हैं, लेकिन ये वजह नहीं है, बल्कि पॉवर्टी ही उसकी एक वजह है इनके मुताबिक। चलिए आगे देखते हैं। आई रिमेंबर ए स्टोरी अ मैन फ्रॉम उदयपी वंस टोल्ड मी, मुझे एक स्टोरी याद है जो एक आदमी ने कहा था जो उदयपी का रहने वाला था। उदयपी एक जगह है कर्नाटका में, एक टाउन है। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल, जब वो नौजवान जो छोटा था तो वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, और गुजरता था एक पुरानी मंदिर से, वेयर हिज फादर वॉज अ प्रिस्ट, जहाँ उसके वालिद पंडित थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली, वो वहाँ थोड़ी देर रुकता था एट द टेम्पल, मंदिर में, एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़, और प्रार्थना करता था एक जोड़ा जूता के लिए। 30 years later, 30 साल के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैं उसके इलाके में गई। एंड द टेम्पल, उस मंदिर में गई, विच वॉज नाउ ड्रोन्ड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन, अब वो इलाका जो है पूरी तरह से तबाह, डेजोलेशन के माने होगा लाइंग वेस्ट, उजाड़ हो चुका है। ठीक है, पूरा इलाका वो उजाड़ हो चुका है। इन द बैकयार्ड, और पीछे, देयर वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट, और उस मंदिर के पीछे जो है एक नया पंडित रहता है, वो पुराने पंडित तो चले गए, अब नए पंडित रहते हैं। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उधर जो है लाल और सफ़ेद प्लास्टिक के चेयर लगे थे। अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो भूरे रंग का यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वियरिंग शॉक्स और मोज़े पहना था एंड शूज़, जूते भी पहना था, अराइव्ड, आया पैंटिंग, हाँफते हुए आया, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, और फोल्डिंग बेड पर उसने अपने बैग गिरा दिया, फेंक दिया वहीं पर। अब बच्चों की आदत होती है ना, बैग उठा, स्कूल से आया और बैग फेंका, तो ये फेंक के गया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के को देख कर, आई रिमेंबर, मुझे याद आया द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड द टू द गॉडेस, एक लड़के की दुआ जो उसने देवी से मांगा था, व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़, और जब वो उसको वो चीज़ आखिर में एक जोड़ा जूता मिल गया। लेट मी नेवर लूज देम, अब मुझे इसको नहीं खोना चाहिए। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, खुदा ने, देवी ने उसकी दुआ को, उसकी प्रार्थना को कबूल किया।
30 साल के बाद। अब लड़का जो है यहाँ पर, एक लड़का ने, उसको याद आया कि एक लड़का था जो जूते की प्रार्थना करता था। अब 30 साल बाद एक पंडित का लड़का है जिसको जूता मैसर है, अब नसीब हो गया है। अब इसको खोना नहीं चाहिए। जो देवी ने उसकी प्रार्थना कबूल की, उस आदमी की प्रार्थना कबूल की और इसको मिला। खैर छोड़िए, यंग बॉयज़ लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, छोटे बच्चे जैसा कि इस पंडित साहब, पंडित जी का लड़का था, नाउ वो शूज़, अब जूते पहनते हैं, ठीक है। बट मैनी अदर्स लाइक द रैक पिकर्स, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जैसा कि रैक पिकर्स, रैक बटोरने वाले, कचरा बटोरने वाले, इन माई नेबरहुड, मेरे नेबरहुड में रिमेन शूलेस, बगैर जूते के घूमते हैं। माई अक्वाइंटेंस विद द बेयर फुट ट्रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, मेरा जो है जान पहचान उन बेयर फुट, नंगे पैर चलने वाले रैक पिकर्स के साथ मुझे ले गया, कहाँ पर पहुँचा दिया मुझे, सीमापुरी। वो सीमापुरी कौन सा इलाका, जहाँ पर ये बच्चे रहते थे, अ प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, एक जगह है सीमापुरी जो दिल्ली के बिल्कुल बाहर के इलाके में है, ठीक है, बाहरी सीमा पर है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली से मीलों दूर है, मेटाफोरिकली, और ये एक सिंबलिकली है, बस वो बाहर है बस, है ना। दोज हु लिव हेयर आर स्क्वैटर्स, जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मतलब जो लोग गैर कानूनी तौर पर बसने वाले लोग हैं, ढाका से आ गए, बांग्लादेश के आ गए, हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, जो बांग्लादेश से आए थे 1971 में, गैर कानूनी तौर पर लोग रहते हैं यहाँ पर। साहिब्स फैमिली इज अमॉन्ग देम, साहब की फैमिली भी उनमें से एक है। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डनेस, सीमापुरी उस वक्त जो है बंजर इलाका था, मतलब कोई रहने वाला नहीं था। इट स्टिल इज, अब भी वही बंजर है, पहले भी बंजर था, आज भी बंजर है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है। पहले तो बहुत खाली था, बंजर था, अब खाली नहीं है। इन कंस्ट्रक्शन, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, ये भर चुका है मिट्टी के घरों से, विथ रूफ्स ऑफ टीन, जिसके छप्पर टीने के हैं, और तारपोलिन की दीवारें हैं या तारपोलिन की छत है, तो छत टीने के बने हैं या तिरपाल के बने हैं, और जो दीवारें हैं वो मिट्टी के बनी हुई हैं, कच्चे घर उसमें बहुत ज़्यादा हैं। और अब वहाँ पर डिवर्ड ऑफ सेवेज, वहाँ पर कोई ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है, ना ही रनिंग वाटर है, ना पानी का कोई इंतज़ाम है। डिवाइड मतलब विदाउट सेवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर वहाँ पर नहीं है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, 10,000 रैक पिकर्स वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, यहाँ पर ये 30 साल से रह रहे हैं, विदाउट एनी आइडेंटिटी, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी पहचान के, विदाउट परमिट्स, बगैर परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स डेट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, हाँ, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसकी वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट में भी आ गया। एंड इनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, और इस लायक होगा कि वो वहाँ से अनाज खरीद सकते हैं राशन दुकान से। राशन कार्ड इसलिए बनाया कि राशन दुकान से उनको गल्ला मिल जाए। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, खाना जो है ज़्यादा अहमियत रखता है पहचान से, जिंदा रहने के लिए किसकी ज़रूरत ज़्यादा है, खाने की ज़रूरत है, पहचान की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, We would rather live here than in the fields that gave us no grain. तो एक ने कहा, says a group of women, tattered sarees, एक group, एक महिलाओं का group जो फटे पुराने कपड़े पहने थी, सारी पहनी थी, when I asked them why they left their beautiful land of green field and rivers, जब मैंने उनसे पूछा था कि क्यों छोड़ दिया उन्होंने अपनी ज़मीन को, हरे भरे खेत को और दरिया को, क्यों छोड़ कर वो यहाँ चली आई, बांग्लादेश से हिंदुस्तान क्यों चली आई, तो उनका जवाब था कि अगर शाम के वक्त, एट द एंड, यहाँ पे देखें, एट द एंड ऑफ द डे, अगर शाम के वक्त अगर वो अपने फैमिली के परिवार को पेट के खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड, और बिस्तर पे जाते हैं, सोते हैं विदाउट एन एकिंग स्टमक, पेट बगैर खाली पेट के वो सोते हैं, यानी कि पेट भर कर सोते हैं, और अपने फैमिली को खिला सकते हैं, तो ये जो है जगह बेहतर है उस खेत से जो हमें खाना नहीं देती। समझ में आ रही बात, उस जगह से बेहतर है जहाँ पर हमें खाना नहीं मिलता, ये जगह बेहतर है जहाँ पर हम शाम को अपने परिवार को खिला पिला सकते हैं, ठीक है। ये उन औरतों का मानना था जिनके पास भी साड़ी भी नहीं थी ढंग की, फटी पुरानी। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ उनको खाना मिल जाता है, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने खेमे गाड़ देते हैं, डेट बिकम ट्रांजिट होम, और ये उनका जो है टेम्पोरेरी होम बन जाता है।
चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, बच्चे उसमें बड़े होते हैं, बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और उनके सर्वाइवल में यानी कि रोज़ी रोटी में उनका पार्टनर बनते हैं। समझ में आ रही बात? एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और सीमापुरी में सर्वाइव करना, जीवन यापन करना, ज़िंदगी गुजारना मतलब कि रैक पिकिंग करना है, कचड़े बटोरने हैं। थ्रू द ईयर्स, सालों से इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, ये जो है इसने जो है प्रोपोर्शन एक फाइन आर्ट का एक शक्ल ले लिया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके नज़दीक गार्बेज कचड़ा जो है वो सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनका उनकी रोज़ी रोटी है रोजाना की, ठीक है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, एक छत है उनके सर पर, इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, छे जाए कि वो टपकता ही क्यों ना हो, वो छत तो है उनके पास, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन लड़के के लिए ये उससे भी ज़्यादा कुछ है। समझ में आ रही बात? तो ये उनका जो है गार्बेज उनके लिए गोल्ड है, सोना है, उनके लिए रोटी है, और उनके सर पर एक छत है, चाहे वो छूता ही क्यों ना हो, टपकता ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत है। आई सम टाइम फाइंड अ रुपी, मुझे कभी कभी एक रुपया मिल जाता है, इवन अ 10 रुपी नोट, कभी कभी तो 10 रुपये भी मिल जाते हैं। साहिब सेज हिज आइज लाइटन अप, उसका चेहरा, उसकी आंखें चमक रही थी जब वो कह रहा था। तो अच्छा आगे देखते हैं हम लोग। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन, अगर आपको चांदी के सिक्के मिल गए इन अ हीप ऑफ गार्बेज, अगर गार्बेज में कचड़े में आपको चांदी का सिक्का नज़र आ गया, यू डोंट स्टॉप स्क्राउजिंग, तो फिर आप तलाश बंद नहीं करेंगे। फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि आपको उम्मीद है कि शायद इससे ज़्यादा और भी मिल जाए। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रेन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्राम वॉट इट मीन्स टू द पेरेंट्स, ऐसा लगता है कि जो गार्बेज है ये बच्चों के लिए कुछ अलग मीनिंग है और बड़ों के लिए अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए तो इट इज़ अ रैप्ड इन अ वंडर, ये हैरत में सरप्राइज़ में लिपटी हुई चीज़ है, यानी जहाँ पर सरप्राइज़ है वो पाते हैं कुछ ना कुछ, तलाश करते हैं, जैसे होता है ना सरप्राइज़ बर्थडे गिफ्ट, एक सरप्राइज़ होता है, तो ये ऐसा लगता है कि ये सरप्राइज़ में बंधे हुए हैं, लिपटे हुए हैं, तलाश में लगे तो कुछ क्या मिल जाए, और मिल जाता कुछ भी तो बहुत खुश होते हैं। फॉर द एल्डर, और बड़ों के लिए इट इज़ अ मीन ऑफ सर्वाइवल, ये बस ज़िंदगी गुजारने का एक ज़रिया है, इसी से इनकी जो है ज़िंदगी गुजरती है। वन विंटर मॉर्निंग, एक ठंडी की सुबह में, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट, मैंने देखा कि एक फेंस गेट मतलब एक फेंस बने होता है, घेरा बना होता है ना, जो घर की चारों तरफ जो फेंस लगाते हैं, लकड़ी का घेरा या लोहे का घेरा, ताकि लोग या जानवर उसके अंदर ना जा पाएँ। तो साहब वहाँ बाहर खड़ा था उस गेट के पास, ऑफ द नेबरहुड क्लब, पड़ोस में एक क्लब है, वहाँ पर वो गेट पर खड़ा था। वॉचिंग टू यंग मैन, देख रहा था दो नौजवान लड़कों को, आदमियों को, ड्रेस्ड इन अ वाइट, जो वाइट कपड़ा पहने थे, प्लेइंग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, ये कहने लगा मुझे ये गेम बहुत पसंद है। ही हम्स, वो फुसफुसाया, हम ठीक है फुसफुसाया। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड अ फेंस, कंटेंट टू वॉच, और देखकर इत्मीनान होता था, फेंस के बाहर देखकर उसको खुशी होती थी। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, मैं जाता हूँ अंदर जब कोई रहता नहीं इधर। ही एडमिट, उसने माना इस बात को और कहा कि मैं जब ना कोई नहीं रहता तो मैं अंदर भी जाता हूँ। और द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है ना मुझे झूला झूलने देता है। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़, साहेब टेनिस के जूते भी पहना था आज। दैट लुक्स स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, जो उसके फीके शर्ट और पैंट पर, बनियान पर, शर्ट और पैंट पर बिल्कुल अजीब सा लग रहा था, सेट नहीं हो रहा था। ये जूता तो बहुत साफ था, कपड़े बहुत गंदे थे। समवन गेव देम टू मी, इसने कहा, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, उसने सफाई देते हुए कहा कि किसी ने उसको दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, हकीकत ये थी कि ये जो है ना डिस्कार्डेड मतलब जो है फेंक दी हुई चीज़ें, जिसको डिस्कार्ड कर देते लोग, नहीं पहनते हैं ना, डिस्कार्ड मतलब क्या होता है, वो जो छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, तो एक फेंका हुआ एक किसी अमीर बच्चे का जूता जो फट गया था उसको फेंक दिया कि यूज़ नहीं करना।
हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिसने शायद पहनने से इनकार कर दिया हो देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, शायद कि उसमें कोई सुराख था इस वजह से उसको डिस्कार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, पहनने से इनकार कर दिया। बट डज नॉट मैट बोदर हिम, लेकिन इसको कोई से फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आई बात, साहब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, वो जो नंगे पैर घूमता हो, इवन शूज़ विद अ होल्स इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, एक जूता जिसमें सुराख भी हो तो भी ऐसा है जमाने से ख्वाब पूरा हुआ, सपना सच हुआ। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन जो गेम वो देख रहा था बहुत इंटरेस्ट से देख रहा था, इज़ आउट ऑफ हिज़ रीच, वो उसकी पहुँच से बाहर है। चलो ये सपना तो सच हुआ, लेकिन वो गेम का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, आज सुबह साहेब इज़ ऑन हिज़ वे टू द मिल्क बूथ, आज वो मिल्क बूथ जा रहा था, मिल्क स्टॉल जहाँ से दूध लाना था। इन हिज़ हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर था, कंटेनर था, ठीक है। स्टील कैनिस्टर मतलब कंटेनर जिसमें आप देखेंगे दूध उध लाते हैं, तो उसके पास स्टील का कैनिस्टर था। और कहने लगा, आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं उस सड़क के उधर, मैं ना टी स्टॉल में काम करता हूँ, चाय की दुकान पर काम करता हूँ, ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर पर इशारा करके बताया कि वहाँ पर मैं काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये मिलते हैं, एंड ऑल माई मेल्स, और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है, आई आस्क। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैंने देखा कि उसके चेहरे से वो केयर फ्री मतलब जो था ना आज़ादी के झलक गायब थी, बेपरवाह लापरवाह था, कोई फिक्र ना थी, वो बेफिक्री उसके चेहरे से गायब थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर दैन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, और मुझे लग रहा था कि स्टील कैनिस्टर ये ज़्यादा भारी है उसके प्लास्टिक बैग से जो उसको अक्सर अपने कंधों पर लादे लादे फिरा करता था। क्यों, द बैग वॉज हिज, क्योंकि बैग तो इसका अपना था, और द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, कैनिस्टर उस आदमी का है हु ऑन्स द टी शॉप, जिसके पास जो टी शॉप जिसका है उसी का ये कैनिस्टर है। साहेब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब साहेब जो है अब खुद का मास्टर और अपना मालिक नहीं रहा, पहले वो मालिक था अपने काम का, अपनी जिम्मेदारी थी, आज़ादी थी, अब आज़ादी नहीं है, बल्कि ये अब किसी के अंडर में काम कर रहा है। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको।